हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका आज अगला भाग है। तो आइए हम आज की सीरीज अपनी शुरू करते हैं इस खूबसूरत से मोटिवेशन कोट से। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो साथियों, अभी तो हमने करंट अफेयर स्टैटिक जीके की कुछ चंद क्लासेस की हैं, अभी तो हमको बहुत सारी क्लासेस करनी हैं। अभी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारी क्लासेस को आपको सेपरेट चलाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे आज का पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद वल्लभ पंत। तो चलिए आप लोग बताइए हमें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आइए हम बात करते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। तो साथियों, मैं आपको सरोजनी नायडू के बारे में बता दूं कि यह हमारी देश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल थी, आप याद रखिएगा, पहली महिला राज्यपाल थी। और ये किस स्टेट में बनाई जाती हैं? तो आप ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इनको राज्यपाल बनाया जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सुचेता कृपलानी, तो साथियों इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा कि ये पहली सीएम थी, पहली मुख्यमंत्री थी। कौन? हमारी सुचेता कृपलानी। तो आप ये भी याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी और सरोजनी नायडू वो राज्यपाल थी। साथियों, हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत की। तो आप इनको याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अब आइए हम बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आपको करा देते हैं। इसका आंसर आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। साथियों, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आप उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम में मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से बनते हैं। तो आइए अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, तो साथियों उत्तर प्रदेश को जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1836 में, 1836 में आप याद रखिएगा, इसको उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था, उत्तर पश्चिम प्रांत, आप ये चीज याद रखिएगा, इसको उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे। उसके बाद साथियों फिर 1937 में, 1937 में इसको संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा, संयुक्त प्रांत, आप याद रखिएगा, इसको संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। और ये आगरा, आगरा और अवध के क्षेत्र को मिलाने के बाद इसको क्या बोला जाने लगा? संयुक्त प्रांत। तो आप याद, बताया मैंने आपको कि उत्तर पश्चिम इसको बोला जाता था 1836 में, 1937 में इसको बोला जाता था संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध को एक साथ कर दिया गया था। अगर बात करें साथियों इसको उत्तर प्रदेश कब से बोला जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसको 26 जनवरी 1950 से, 1950 से इसको क्या? उत्तर प्रदेश बोला जाता है। तो इसके 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है ये। और बाकी उत्तर प्रदेश ये 26 जनवरी 1950 को बोला जाना शुरू हुआ। अगर साथियों हम बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो आप राजधानी नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश की लखनऊ बनने के पहले 2 राजधानियां साथियों और बन चुकी हैं, जिसमें पहली थी आगरा, आप याद रखिएगा आगरा थी। जो इसका अगर सन आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 1836 के पास। और अगर बात करते हैं साथियों दूसरी, तो याद रखिएगा वो बनी थी आपकी प्रयागराज, जो कि उस टाइम पर इलाहाबाद थी, बट अभी इसका नाम परिवर्तित करके क्या बना दिया गया है? प्रयागराज। और अगर साथियों हम बात करें ये कब हुआ था, तो आप ये भी याद रखिएगा 1857 में, तो आप ये याद रखिएगा। और उसके बाद अभी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है?
लखनऊ। तो आपको इससे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो बताए हैं कि 1836 में उत्तर पश्चिम बोला जाता था, 1937 में संयुक्त प्रांत बोला जाता था, आगरा और अवध को एक साथ कर दिया गया, यूपी की राजधानी तीन बन चुकी हैं, आगरा, प्रयागराज और लखनऊ। आइए साथियों, हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो कर देते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा आज की क्लास से उत्तर प्रदेश के अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन। साथियों आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड ये पहले उत्तर प्रदेश का भाग था और इसको हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे, उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तो आप ये याद रखिएगा कि इसको पहले हम उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जानते थे और ये यूपी का ही एक अहम हिस्सा था, ये बात आप याद रखिएगा। इसको कब अलग किया गया था तो ये डेट आप याद रखिएगा, 9 नवंबर को इसको एक अलग राज्य बना दिया गया था। और ईयर अगर आपसे पूछ ले तो आप ईयर याद रखिएगा 2000, 9 नवंबर 2000 को इसको उत्तराखंड बना दिया गया था। उस टाइम पर कितने जिले इसमें थे तो आप याद रखिएगा 13 जिलों को काट करके बनाया जाता है। अगर साथियों हम बात कर लें यहाँ उत्तर प्रदेश की भाषा के बारे में, राज्य की जो हमारी भाषा है राजकीय भाषा, तो आप याद रखिएगा कि वो हिंदी थी। और दूसरी साथियों याद रखिएगा आप, उर्दू को भी जोड़ दिया गया था, और ये कब जोड़ा गया था आप इसको याद रखिएगा, 1989 में। तो आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, 9 नवंबर 2000 को ये अलग किया गया, उस टाइम पर 13 जिले थे उत्तराखंड में, हिंदी राजकीय भाषा है और 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा बना दिया गया था। अगर साथियों मैं बात कर लूँ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, तो आइए उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। साथियों यहाँ का जो राजकीय पशु है वो आप याद रखिएगा, राजकीय पशु बारहसिंघा है, बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है, ये आप याद रखिएगा। साथियों हम बात करें यहाँ के पक्षी की, राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप ये भी याद रखिएगा, सारस यहाँ का राष्ट्रीय मतलब राजकीय पक्षी है। और अगर वृक्ष के बारे में साथियों हम बात कर लें तो वृक्ष आप याद रखिएगा अशोक का वृक्ष। और पुष्प अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका पलास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए हैं। और अगर आपसे चिन्ह पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप वो भी याद रखिएगा कि एक वृत्त में आप याद रखिएगा दो मछली और प्लस एक तीर धनुष। कभी कभी आपसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ लेता है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उनमें कौन सी चीज नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि दो मछली प्लस तीर धनुष है। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट जो बनते थे ये हमने करा दिए हैं। आइए हम उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा लोकसभा में कितनी सीटें हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि लोकसभा में याद रखिएगा आप, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की है और वो कितनी है आप याद रखिएगा, 80 सीट है। बात करें दोस्तों राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। ये दोनों क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश से है 80 और राज्यसभा में भी है 31 सीट है, आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ का हाई कोर्ट के बारे में पूछ ले तो आप याद रखिएगा वो प्रयागराज में है, प्रयागराज में यहाँ का हाई कोर्ट है और इसकी एक खंडपीठ जो है वो कहाँ पे है आप याद रखिएगा, लखनऊ के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई कोर्ट का इसकी स्थापना कब की गई थी तो आप वो डेट भी याद रखिएगा साथियों, 1866 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पता ही होंगे कि यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं, आप ये चीज याद रखिएगा। विपक्ष का नेता अगर साथियों आपसे पूछ ले एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट के तो आप वो भी याद रखिएगा, राम गोविंद चौधरी हैं यहाँ के विपक्ष के नेता। आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बताए हैं।
दो चार पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, जो कि अभी करंट में हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि पहला ई पंचायत पुरस्कार, आप याद रखिएगा ई पंचायत पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश को मिला है। ई पंचायत पुरस्कार ये आप याद रखिएगा, ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है ये भी आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुशीनगर में बनाई गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही के क्वेश्चन हैं साथियों, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से और आपसे पूछ सकता है साथियों कि एनडीआरएफ के महिलाओं की पहली टुकड़ी वो भी तैनात की गई है। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में ही तैनात की गई है, और वो भी कहां पर? हापुड़ में। तो आप ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से और बनते हैं, ये हमने करा दिए आपको। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इनमें से कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 14 सितंबर, 24 अक्टूबर और 25 दिसंबर। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। अब इनमें मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि पंचायत दिवस मनाया जाता है इस दिन, आप इसको याद रखिएगा। हम 14 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, आप इस चीज को याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा उसको साथियों, वो 10 जनवरी को है, 10 जनवरी को डेट आप याद रखिएगा साथियों। रिवीजन इसका डेली करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में एक डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आइए साथियों हम देखते हैं 24 अक्टूबर के बारे में। तो 24 अक्टूबर को आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों हम बात करें अगर 25 दिसंबर को, तो आप याद रखिएगा 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये मनाया क्यों जाता है, तो आप याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा साथियों। आइए हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता देते हैं। जैसे बात हुई साथियों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की, तो मैं आपको कुछ संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उनको करा देता हूं। आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। आइए साथियों हम संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको UNO बोला जाता है, आप याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम इसका हिंदी है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए इसका स्थापना के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना साथियों जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ये डेट आप याद रखिएगा। जब इसकी स्थापना हुई थी साथियों तो आप याद रखिएगा 51 सदस्य इसमें थे और इस पे हस्ताक्षर जो किए थे वो आप याद रखिएगा, हस्ताक्षर इस पे 50 ही सदस्यों ने किया था, एक सदस्य ऐसा था, एक कंट्री ऐसी थी जिसने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो आप उनको याद रखिएगा, वो था पोलैंड। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आप याद रखिएगा 51 सदस्य थे और 50 लोगों ने हस्ताक्षर किया था और पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किया था। UNO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगर हम बात करें साथियों अभी करंट में इसमें कितने मेंबर हैं, तो आप वो भी याद रखिएगा 193 मेंबर हैं। और आपसे सबसे नवीनतम अगर देश पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा दक्षिणी सूडान, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों।
और आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइम पर इनकी महासभा का मतलब इनके अध्यक्ष कौन है या इनके महासचिव कौन है, तो आप वो याद रखिएगा, एंटोनियो एंटोनियो गुटारेस, आप याद रखिएगा ये इनके इस टाइम महासचिव हैं। और ये हैं कहाँ के, तो ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों जो हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपसे कभी पूछे और कि संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग हैं, तो आप याद रखिएगा कि 6 अंग हैं इसके, 6 अंग हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका करा देता हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि आपके अभी हाल ही में करंट से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि इसके इन्हीं अंगों में से एक अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी काउंसिल की, तो आप याद रखिएगा साथियों इनमें 15 देश हैं, 5 इसके अस्थाई देश हैं और 10 इसके अस्थाई देश हैं। तो आप याद रखिएगा कि 10 अस्थाई देश में भारत भी मेंबर है, याद रखिएगा, और भारत 8वीं बार मेंबर बना है। ये अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है साथियों, और एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा कि भारत इनके अस्थाई मेंबर का एक पार्ट है, और वो कौन सी बार बना है, वो 8वीं बार बना है, और किस देश की जगह बना है, तो आप ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जगह भारत इसका 8वीं बार सदस्य बना है। और याद रखिएगा अस्थाई सदस्य का जो टाइम पीरियड या कार्यकाल या कितने दिनों के लिए बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए अस्थाई मेंबर ये बनते हैं। तो ये रहे साथियों हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको करा दिए हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पुरस्कार दिया जाना था 2020 में, इसकी घोषणा 2020 में हुई थी, बट ये कोरोना या कोविड के चलते इसको जो है नहीं दिया गया और अनिश्चित काल तक टाल दिया गया था। अभी हाल ही में इस पुरस्कार को दिया गया है। तो आपको मैं जितने भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आज मैं आपको वो करा दूंगा, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार आपके पास ऑप्शन है मणिकर्णिका, छिछोरे, पंगा और केसरी। तो बात करें साथियों अगर हम इसके आंसर की, तो आप ये आंसर याद रखिएगा, छिछोरे पिक्चर को, छिछोरे फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। आइए साथियों हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे हमारे कितने और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आप याद रखिएगा छिछोरे इसका आंसर होगा। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मैंने आपको बताया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये छिछोरे को दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले साथियों कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो याद रखिएगा आप धनुष और मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी आप याद रखिएगा। धनुष को अगर पूछ लिया जाए किसके लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा असुरन मूवी, असुरन उनकी एक फिल्म है जिसके लिए दिया गया है, और ये किस भाषा में है, तो याद रखिएगा तमिल में। बात करें साथियों मनोज बाजपेयी को किसके लिए दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भोसले के लिए, भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को दिया गया है। अगर मैं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं साथियों, तो एक्ट्रेस में आप याद रखिएगा कि ये मिला है कंगना रनौत को, कंगना रनौत को मिला है, और किस मूवी के लिए, तो आप याद रखिएगा मणिकर्णिका और पंगा, दोनों मूवियों के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। साथियों इसमें एक ऑप्शन है केसरी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें प्लेबैक सिंगर सबसे, आप याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक जो होगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का अवार्ड, मेल सिंगर का अवार्ड आप याद रखिएगा, वो मिला है आपका बी प्राक को, बी प्राक, और किसके लिए, केसरी के लिए। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे साथियों, वो हमने आपको करा दिए गए हैं। और अगर आपसे साथियों यही पूछ ले कि निर्देशन में किसको दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए,
कि निर्देशन में ये अवार्ड दिया गया है 72 हूरों के लिए, 72 हूरों या फिर 72 हूरे, और इसके निर्देशन को किसने किया है, तो याद रखिएगा संजय पूरन सिंह ने, संजय पूरन सिंह ने इसका निर्देशन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया साथियों, जो यहां से बन सकते थे। आइए हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हाल ही में दिए गए हैं, उनको भी मैं आपको करा देता हूं। तो आप याद रखिएगा कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी साथियों दिया गया है, और आप याद रखिएगा कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रजनीकांत को, ये रजनीकांत को दिया गया है। और अगर साथियों यहीं से पूछ ले आपसे कि 50वां किसको दिया गया था, तो आप याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को 50वां दिया गया था, 51वां दिया गया है रजनीकांत को। अगर मैं बात करता हूं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो आप याद रखिएगा साथियों 1969 में इसकी शुरुआत होती है, और सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो दिया गया था, आप याद रखिएगा देविका रानी को, देविका रानी को दिया गया था सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार। याद रखिएगा 51वां रजनीकांत, 50वां अमिताभ बच्चन, शुरुआत होती है 1969 में, और सबसे पहला दिया जाता है देविका रानी को। तो ये रहा साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 से फिल्म पुरस्कार से। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची से रिलेटेड हमसे पूछ लेता है। तो आइए आज हम एक क्वेश्चन के द्वारा जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है, उनको हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा साथियों ये समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना और जानवरों का संरक्षण। तो आपको देख सकते हैं कि शिक्षा ये समवर्ती सूची का है, जनसंख्या नियंत्रण साथियों ये भी आप याद रखिएगा ये भी समवर्ती सूची का है। अगर मैं बात करूं साथियों जनगणना की, तो जनगणना आप याद रखिएगा ये संघ सूची का विषय है, ये किसका विषय है, संघ सूची का। और जानवरों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, अगर ऐसी चीजें आती हैं तो याद रखिएगा ये सारे आपके समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया साथियों जनगणना, आप इस चीज को याद रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अपनी सूचियों के बारे में, तो याद रखिएगा कि हमारे मूल संविधान के, मूल संविधान में 7वें शेड्यूल में, 7वें अनुसूची में केंद्र और सरकार के विधायी कार्यों का वर्णन है। इसका मतलब यह आप समझ लीजिए कि केंद्र और सरकार की जो किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाना है उसका वर्णन दिया है। संघ सूची, तो आप याद रखिएगा इसमें संघ सूची, 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब अगर साथियों मैं बात करूं संघ सूची, तो आप याद रखिएगा इस पे सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का, राज्य में सिर्फ राज्य का, और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों का। तो ये बात आप याद रखिएगा। आइए मैं कुछ पॉइंट्स आपको करा देता हूं कि कौन से संघ के विषय हैं, कौन से राज्य के हैं और कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं संघ में क्या क्या आता है संघ सूची के अंदर। तो साथियों आप याद रखिएगा जितने भी हमारे रेलवे, रेलवे, बैंकिंग, बैंकिंग, वायुसेना या फिर आप कह सकते हैं प्रतिरक्षा, जनगणना, जनगणना और मतलब जो नदियों का अपना स्टेट में रिलेशन होता है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, संघ सूची के अंदर। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे राज्य सूची की, तो राज्य सूची में आप याद रखिएगा कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो आप याद रखिए कृषि, कृषि एक आपका आता है, पुलिस,
पुलिस भी आता है आपका, जेल खाना, शराब, ये सारी चीजें आपकी राज्य सूची के अंदर आती हैं। आइए हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो समवर्ती सूची का साथियों याद रखिएगा आप कि कंफ्यूजिंग में मोस्टली वो समवर्ती सूची को रखता है, तो इसीलिए समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, वन समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, बिजली समवर्ती सूची का विषय है, शादियां या फिर तलाक वगैरह, ये सारी चीजें समवर्ती सूची की विषय में आती हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। कोलकाता के अंदर में डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और फुटबॉल। तो आप आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन से खेल से संबंधित कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो चलिए पहले अगर हम बात कर लेते हैं क्रिकेट में साथियों, तो क्रिकेट में आप याद रखिएगा सी के नायडू कप ये दिया जाता है क्रिकेट में। देवधर आप याद रखिएगा, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप याद रखिएगा जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करूं साथियों टेनिस की, तो टेनिस में आप याद रखिएगा सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस और वो बोपन्ना, तो ये सारे जो हैं ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। और टेनिस में साथियों कप कौन कौन से दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा आप, इसका इंपॉर्टेंट कप है डेविस कप, डेविस कप। दूसरा इसका दिया जाता है फेड कप, याद रखिएगा आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फेड कप। और एक और दिया जाता है साथियों आपका विटमैन कप, विटमैन कप। तो आप याद रखिएगा विटमैन लास्ट टाइम पे 1989 में खेला गया था। अगर मैं बात करूं फेड और विटमैन की, तो ये महिलाओं को दिया जाता है और डेविस कप पुरुषों के लिए है, ये बात आप याद रखिएगा। क्रिकेट में सी के नायडू, देवधर, दिलीप, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे। पिछली साल साथियों याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी नहीं कराई गई थी, ऐसा ये पहली बार हुआ था कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया गया था, कोरोना के वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया था, किसका? रणजी ट्रॉफी का। आइए हम देखते हैं हॉकी से हमारे संबंधित कौन कौन से कप हैं। तो हम अगर हॉकी की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा नेहरू कप, सुल्तान अजलन शाह, सुल्तान अजलन शाह कप, अजलन शाह कप, ये भी आप याद रखिएगा। एक इसका और आप याद रखिएगा साथियों, बेटन कप, बेटन कप। तो ये कुछ हमारे तीन साथियों जो इंपॉर्टेंट थे वो किससे हैं? हॉकी से रिलेटेड हैं। चलिए आइए हम आपको और बता देते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड हमारा कौन सा कप होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में फुटबॉल भी है। तो अगर साथियों हम फुटबॉल से रिलेटेड अगर बात करें, तो आप याद रखिएगा कि डूरंड कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, रोवर्स कप, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे फीफा, फीफा प्लस यूरो कप और आपका कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कप आपके साथियों फुटबॉल से रिलेटेड हैं। तो आपका आंसर था डूरंड कप का खेल किस खेल से, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। आइए साथियों हम बात कर लेते हैं यूरो कप के बारे में। तो आप याद रखिएगा यूरो कप का विजेता पिछली साल इटली रहा है, इटली ने यूरो कप जीता है, और इसने हराया किसको है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो इंग्लैंड को हराया था, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। कोपा अमेरिका के बारे में बात करें साथियों, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना ने इसको जीता था, अर्जेंटीना ने।
और इसमें लूजर टीम जो थी वो कौन थी, ब्राजील। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए साथियों, मैं इसमें एक क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड आया है, तो मैं आपको हॉकी से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कोशिश किया करिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको जिस पॉइंट में मिलते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सारे पॉइंट्सों को आप तैयार कर लीजिए, जितनी बार हो सके उनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपको याद होती जाएगी। तो आइए, अगर मैं इसमें हॉकी के बारे में बात करूं तो इसने 41 साल के बाद साथियों 41 साल के बाद कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है, टोक्यो ओलंपिक में जीता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर पूछे इससे पहले तो आप 1980 में मॉस्को ओलंपिक में, याद रखिएगा मॉस्को ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, जीता था इन्होंने, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए अब अगर बात करते हैं कि हॉकी टीम के इस टाइम कप्तान कौन है, तो आप याद रखिएगा इंडियन हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह है, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं। और अगर इनके कोच के बारे में हम बात करें तो आप याद रखिएगा कोच इनके इस टाइम पर ग्राहम रीड है, ग्राहम रीड है। ये सारे क्वेश्चन साथियों हॉकी से इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, किस राज्य के रसगुल्ले को GI टैग प्रदान किया गया है। साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके पास ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। साथियों एक ऑप्शन आप यहां और ले लीजिएगा, उड़ीसा, उड़ीसा। तो ये आपके तीन ऑप्शन है साथियों। अब आप बताइए इसमें मुझे कि रसगुल्ले का GI टैग किसे प्रदान किया गया था। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए। चलिए साथियों हम बात करते हैं अगर असम के बारे में, तो असम के किन चीजों को GI टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, गोवा के और उड़ीसा के, GI टैग किन किन चीजों को दिया गया है। ये बताने के पहले मैं ये सोचता हूं कि आपको बताऊं कि GI टैग दिया क्यों जाता है। तो आज आप बहुत ध्यान से 5 मिनट सुनिएगा कि मैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता रहा हूं कि GI टैग क्यों दिया जाता है। यहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि GI टैग के क्वेश्चन आप याद तो करते हो बट ये मोस्टली आपको समझ में नहीं आता कि ये दिया क्यों जाता है। तो आज आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज को समझ के पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं साथियों GI टैग की। तो आप याद रखिएगा इसको जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और ये दिया किन उत्पादों पे जाता साथियों, तो याद रखिएगा आपकी ऐसे उत्पाद जो उसी राज्य क्षेत्र के अंदर या उसी क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए राज्य का कोई जिला है, उस जिले के अंदर या उस जगह पर उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता, उन सारी चीज़ों के लिए अगर वो वहाँ पर फेमस है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम GI टैग देते हैं। अब ये याद रखिएगा कि आपकी फसल भी हो सकती है, ये आपका कोई उत्पाद भी हो सकता है जो नेचुरल तरीके से बनाया गया, नेचुरल चीज़ों का यूज करके बनाया गया हो। एक क्वेश्चन और आपका पूछ लेता है कि क्या GI टैग एक ही चीज़ के दो स्टेट या दो जगहों को हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा रसगुल्ला है, तो मान लीजिए इस रसगुल्ले का जो GI टैग है, क्या मैं दो स्टेट को या दो जिले को दे सकता हूँ। तो याद रखिएगा साथियों इसको हम दे सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ रसगुल्ले की, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे दे सकते हैं। बात करूँ साथियों इसका, अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ मैं, तो याद रखिएगा बासमती चावल, ये एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बासमती चावल, इसको 3-4 स्टेट का GI टैग मिला हुआ है, जिसमें आपका पंजाब, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें बासमती चावल को GI टैग दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर है या जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये आपका नेचुरल पदार्थ पे दिया जाता है, चाहे वो फसल हो चाहे वो उत्पाद हो। और बासमती चावल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ये एक से ज़्यादा भी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को दिया जा सकता है उसके उत्पादन के लिए। अगर मैं साथियों बात करूं इसका अधिनियम कब आया था, तो आप याद रखिएगा वो
2009 में आया था और लागू कब से हुआ था, 2003 में। तो आप याद रखिएगा 99 के अधिनियम से 2003 में इसको लागू किया जाता है। अगर मैं ये तो भारत के लेवल की बात किया हूं, अगर इसको वर्ल्ड में कौन संचालन इसका करता है, तो आप याद रखिएगा WTO इसका वर्ल्ड में संचालन करता है अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर। साथियों यही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये दिया कितने सालों के लिए जाता है, तो आप याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए। कितने सालों के लिए? 10 वर्षों के लिए इसको दिया जाता है। और भारत के अभी कितने उत्पादों को दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि 361 उत्पादों को अब तक जो है GI टैग दिया गया है। और यहीं से साथियों आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहला GI टैग, तो आप याद रखिएगा दार्जिलिंग की चाय। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मोस्टली एग्जाम में पूछता है, और कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे साथियों जो हमने आपको GI टैग से बताए हैं। चलिए आइए हम देखते हैं जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। तो हमारा आंसर साथियों होगा कि रसगुल्ले का GI टैग, अभी याद रखिएगा आप कि वो उड़ीसा को दिया गया है। किसको दिया गया है? उड़ीसा को। ये उड़ीसा को GI टैग इसका दिया गया है रसगुल्ले का। साथियों ये अभी हाल ही में न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा कि 2017 में रसगुल्ले का ही GI टैग पश्चिम बंगाल को भी, वेस्ट बंगाल को भी दिया गया था, जिसके ऊपर काफी विवाद चल रहा था कि वहां दिया गया था तो आप उड़ीसा में कैसे दे दिए। लेकिन फाइनली अभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर उड़ीसा करके आना, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम देखते हैं असम में कौन सा GI टैग दिया जाता है, बिहार में कौन सा दिया जाता है, गोरखपुर में आपका कौन सा दिया जाता है, और उड़ीसा में कौन सा दिया जाता है। तो चलिए मैं बात करता हूं बिहार की। तो आप याद रखिएगा बिहार में शाही लीची का जो है GI टैग दिया गया है बिहार को। मगही पान और एक और आप याद रखिएगा जरदालू आम। ये कुछ GI टैग हैं जो आपके किससे रिलेटेड हैं, बिहार से रिलेटेड हैं। आइए मैं बात करता हूँ अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण है साथियों जो आप याद रखिएगा, टेराकोटा। आप याद रखिएगा ये टेराकोटा का GI टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए जिला, तो आप याद रखिएगा गोरखपुर में आपको दिया गया है टेराकोटा का GI टैग। अगर मैं असम की पूछूं, तो आप याद रखिएगा एक यहाँ की वाइन है, जूडिमा वाइन है, इसको दिया गया है असम का GI टैग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों GI टैग से संबंधित जो हमने आपको बताए हैं। आइए हम कुछ स्टेट के बारे में और देख लेते हैं, कुछ स्टेट के बारे में और उनके GI टैग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप इसका आंसर याद रखिएगा कि ये दिया गया है उड़ीसा को, ये उड़ीसा को GI टैग दिया गया है। अगर साथियों मैं बात करूं मणिपुर की, तो मणिपुर आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है साथियों, क्योंकि यहां से बहुत ही करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो मणिपुर से संबंधित चीजें आप जरूर याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मणिपुर की, तो आपको मैं बताऊं चकहाओ को जो है GI टैग मिला। इसका मतलब होता है, आप याद रखिएगा, काला चावल है मणिपुर का, जिसको GI टैग मिला है। अगर इसमें एक ऑप्शन है साथियों आपका गोवा के बारे में बता दूं, तो आप याद रखिएगा हरमल मिर्च का GI टैग ये किसको दिया गया है, गोवा को दिया गया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो याद रखिएगा आप कश्मीरी केसर का GI टैग किसको दिया गया है, जम्मू कश्मीर को। तो ये रहे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट आपके GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका अधिनियम 1999 में आया था, 2004 में ये लागू होता है। पहला दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है, और बिहार में आपका शाही लीची, मगही पान, जरदालू आम, उड़ीसा में पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा रसगुल्ला, और उसी के साथ साथ आप कंधमाल हल्दी को भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में आपसे पूछ लिया जाए तो जब कश्मीरी केसर, और मणिपुर में चकहाओ, जिसका मतलब काला चावल होता है,
हरमल मिर्च गोवा का, ऐसे साथियों मोस्टली 361 GI टैग दिए गए हैं। मैं इनको आपको एग्जाम कोशिश करूंगा कि हर दिन क्लास में रख करके एक एक बता दूं, या फिर एक दिन मैं GI टैग का ही पूरा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे GI टैग इंपॉर्टेंट आपको करा दूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। साथियों कभी भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि है या नहीं है, क्वेश्चन में उसने पूछा है या फिर नहीं पूछा, मतलब वो भाषा है या नहीं है, इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ जाते हैं और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, और उसके बाद ही उसका आंसर आप देंगे। चलिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी और नेपाली। तो हमने आपको अभी पिछली क्लास अगर आपने हमारी देखी होगी तो हमने उसमें आपको बताया था कि 2 भाषा ऐसी हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछता है वो, जो कि ये संविधान की अनुसूची में 8वीं है कि नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इतना याद रखिएगा कि मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी सिर्फ, कितनी भाषाएं थी 14। बाद में हमने 3 अमेंडमेंट के थ्रू इनको जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं कर दिए हैं। तो अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, 14 शुरू में थी, और हमारा अमेंडमेंट अगर 3 हुआ था तो वो कौन कौन सा, तो मैं अगर उसके बारे में बताऊं तो आप याद रखिएगा 21, 71 और 92, ये 3 अमेंडमेंट हमारे हुए होते हैं। अगर बात करूं आपसे मैं 21st अमेंडमेंट की, तो आप याद रखिएगा ये 1967 में हुआ था, और इसके द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा बनाया गया था। ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। अगर मैं बात करता हूँ 71वें संशोधन की, तो आप 71वां संशोधन आप याद रखिएगा कि 71वां संशोधन आपका 1992 में हुआ था, 1992 में आपका 71वां संशोधन हुआ था, और इसके द्वारा आप नमक याद रखिएगा, नमक से नेपाली मैं ऊपर लिख देता हूँ, नमक आप याद रखेंगे अगर तो नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था किसके थ्रू, 71वें संविधान संशोधन के थ्रू, जो कब हुआ था 1992 में, और कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 21वें के थ्रू 1967 में हुआ, सिंधी जोड़ी गई। और साथियों 92 अमेंडमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा ये हुआ कब था, 2003 में, और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, वो चारों भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, आप इनको भी याद रखिएगा। तो साथियों 4 भाषाएं ये और 14, 3 भाषाएं ये, 7 और 1 सिंधी, 8 ये और 14 मूल संविधान से, तो टोटल 22 भाषाएं अभी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। कौन कौन सी, आइए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, फिर हमने 3 संशोधन किए, 21, 71 और 92। एक क्वेश्चन यहां से याद रखना दोस्तों कि वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा संशोधन भाषा से रिलेटेड नहीं है, तो वहां वो 3 रखेगा, 21, 71, 92 और एक कोई और डाल देगा, जैसे 91 डाल दिया, 74 डाल दिया, कोई भी डाल देगा। तो आप याद रखना कि इन्हीं 3 संशोधन के थ्रू भाषा को जोड़ा गया था, पहले में 21 में सिंधी 15वीं भाषा, 71 में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद 92 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। चलिए मैं बात कर लेता हूँ भाषा से रिलेटेड जो भी हमारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे आर्टिकल के 343 से 351 अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया, किसका, राजभाषा का। ये क्वेश्चन आप
याद रखिएगा राजभाषा का वर्णन 343 से 351 के अंदर किया गया है। और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहीं से बनता है कि हमारी राजभाषा क्या है, ये आप याद रखिएगा। साथियों हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हमारी राजभाषा है, तो आप वो याद रखना, वो कौन सी है, हिंदी है, और बाद में अंग्रेजी को भी जोड़ दिया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, हमारी राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, और वो 343 से 351 अनुच्छेद में बताया गया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि आपके बाकी जो 14 भाषाएं थी वो कौन सी थी, क्योंकि हमने आपको 8 करा दिया है, सिंधी, उसके बाद आपका मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये हमने आपको 8 बता दिए हैं। स्टार्टिंग में जो 14 भाषाएं साथियों और थी, आइए हम आपको उनके बारे में बता देते हैं कि वो कौन कौन सी थी। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, असमिया, दूसरा आप याद रखिएगा बांग्ला, नेक्स्ट उड़ीसा, या आप इसको बोल सकते हैं उड़िया, अगला आपका होगा कन्नड़, गुजराती, मैं यहां लिख देता हूं हिंदी, संस्कृत, नेक्स्ट आपका हो जाएगा दोस्तों उर्दू, मराठी, कश्मीरी, और आपका हो जाएगा साथियों असमिया, बंगला, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, कश्मीरी, मलयालम। अब हम बात करते हैं दक्षिण साइड की कौन कौन सी हैं, तो मलयालम है, याद रखिएगा आप, तेलुगु है, तमिल है, और आपका पंजाबी है। तो साथियों ये कुछ आपकी लैंग्वेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ, 2, 2, 4, 1, 5, 10 यहाँ और 4 यहाँ, ये आपकी कुछ 14 भाषाएं थी जब हमारे मूल संविधान में थी। 8 हमने आपको बताया कि 21 और 71 और 92 के थ्रू 8 भाषाओं को जोड़ा गया संशोधन के, कौन कौन सी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो उसने पूछा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, तो नहीं है साथियों, संस्कृत ये मूल संविधान में ही था, नेपाली इसको हमने 71वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा था, और बात करें सिंधी की तो ये 15वें के थ्रू 21वें के थ्रू 15वीं भाषा थी। तो अंग्रेजी एक ऐसा है साथियों जो हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है। यहाँ कुछ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि दो आप याद रखेंगे तो मोस्टली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अंग्रेजी, इंग्लिश, और दूसरी आप याद रखिएगा राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी साथियों वो पढ़ने में ऐसा लगता है कि वो हमारे मूल संविधान में या फिर हमारी भाषाओं में होगी, बट याद रखिएगा आप कि वो हमारी भाषाओं में नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर है हमारा अंग्रेजी। आइए हम देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा साथियों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 2 फरवरी और 30 जनवरी। तो अगर मैं साथियों बात करूं आपसे तो दिवस तो आप याद रखिए कि डेली इनका रिवीजन किया करिए, डेली जितना हो सके आप दिवस का रिवीजन करिए, क्योंकि साथियों हर दिन कुछ ना कुछ है या फिर एक से दो दिन के गैप पे है और एक एक डेज पे दो दो तीन तीन चीज़ें होती हैं, तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में आप कोशिश करिए कि आप वही डेटा पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने तैयारी के टाइम पर, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपके सारे एग्जाम 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएंगे, तो जितना आपको रिवीजन करना है आप अपना रिवीजन करिए और उसमें ये देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है जो सबको आते होंगे, थोड़ा सा आपको डीपली भी उसके बारे में जा करके पढ़ना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं 30 जनवरी की, तो आप याद रखिएगा कि 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है,
शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं। बात करें साथियों हम 2 फरवरी की, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आप याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसे ही हम कहते हैं। जो हमारी रामसर होती है साइटें, ये इन्हीं से संबंधित होती हैं, रामसर साइटें। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए हम देखते हैं 25 जनवरी को, तो आप याद रखिएगा कि 25 जनवरी को दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मतदान दिवस, मतदान, और दूसरा आपका होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, आप ये याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 27 सितंबर है वो, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। बात करें साथियों 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी आप याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये आप याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए आइए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए साथियों हम ऐसा स्टार्ट करेंगे, दो दो महीने के जो इंपॉर्टेंट डेट हैं उनको हर क्लास में हम करेंगे, जिससे हमारा अच्छे से पूरे साल का तैयार हो जाएगा। तो अगर मैं आज जनवरी और फरवरी के बारे में बात करूं, तो आप याद रखिएगा कि जनवरी में हमारे 4 जनवरी को आप याद रखिएगा ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ब्रेल डे मनाया जाता है, फिर आप ब्रेल दिवस बता सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ब्रेल क्या साथियों, तो ये जो लोग जिनकी आंखें नहीं होती हैं उनके लिए एक तरीके का सिस्टम होता है उनके पढ़ने लिखने का, अपनी बातों को बोलने का, तो वो ब्रेल सिस्टम उनके लुईस ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम साथियों बात करें अगला, तो आप याद रखिएगा 9 को साथियों मनाया जाता है NRI डे, प्रवासी दिवस। इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। आइए हम बात करते हैं 10 को, तो 10 को आप याद रखिएगा 10 जनवरी में, ये आपका विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। अगर हम बात करें साथियों यहीं 12 जनवरी, तो आप 12 जनवरी को याद रखिएगा ये युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा कि ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। यहीं से साथियों अगर मैं आपसे बात करूं 15 जनवरी को, तो 15 को आप याद रखिएगा ये थल सेना दिवस है, ये थल सेना दिवस कब मनाया जाता है 15 जनवरी को। सेनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप याद रखिएगा 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, और 4 नवंबर को मनाया जाता है आपका थल सेना, क्या बोलते हैं उसे, नौसेना दिवस, तो आप याद रखिएगा 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना, और 15 जनवरी थल सेना दिवस। फिर से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, 15 को थल सेना, 8 को वायुसेना, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन थे। अब हमने 15 जनवरी तक साथियों देख लिया है, अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट आप और याद रखिएगा 23 जनवरी को मैं आपसे हर दिन की क्लास में पढ़ाता हूं इसको, ये जरूर याद रखिएगा, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और ये किसके जन्मदिन के उसमें, तो ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ये शुरू किया गया है। तो ये कुछ जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने आपको कराए, और हमारा आंसर आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। चलिए साथियों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था साथियों। अभी हमने आपको बताया कि 2 फरवरी 1971, ये डेट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी इसमें था तो इसीलिए हमने आपको बता दिया। आप याद रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 ये डेट साथियों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट पे रामसर सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था साथियों, तो ये आप याद रखिएगा ये ईरान में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ईरान में, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ईरान में, और ये इसका नाम हमने रामसर जो रखा है तो याद रखिएगा ये ईरान की एक जगह का नाम है जिसे हम रामसर
सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1971। ये होता क्या साथियों, तो आप इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये जितने भी हिमालयी आर्द्रभूमि के क्षेत्र होते हैं, आर्द्रभूमि से रिलेटेड मोस्टली जितने भी क्षेत्र होते हैं उनसे रिलेटेड ये होता है। जैसे हिमालय से रिलेटेड हो गया आर्द्रभूमि क्षेत्र आपका, गंगा का आर्द्रभूमि क्षेत्र, गंगा का जो तटीय मैदान जो भी हैं उनके आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो इन सब चीज़ों का जो भी एक सम्मेलन होता है या फिर इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी एक सम्मेलन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रामसर सम्मेलन। याद रखिएगा कि भारत में टोटल 46 रामसर सम्मेलन हैं, जिसमें से अगर आपसे उत्तर प्रदेश में आपके पूछ ले तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 6 रामसर सम्मेलन है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर सम्मेलन हैं, या आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा रामसर सम्मेलन किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा कि वो उत्तर प्रदेश में है। आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रामसर सम्मेलन की जिनको शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा चिल्का झील को भी रामसर सम्मेलन में, चिल्का झील एक रामसर साइट है आप याद रखिएगा। केवला देव, ये कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों जो आपके एग्जाम के पर्पज से, केवला देव नेशनल पार्क आप ये भी याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। और अगर आपसे चिल्का झील के बारे में बात कर ले तो आप याद रखिएगा इसको, ये उड़ीसा में है। ये आपके चिल्का झील उड़ीसा, केवला देव राजस्थान, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकटक, लोकटक झील आप इसको याद रखिएगा, लोकटक झील ये आपका मणिपुर में है। तो आप याद रखिएगा लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव राजस्थान। बात करूं साथियों अगर मैं नेक्स्ट की, तो आप याद रखिएगा बूलर झील भी इसमें शामिल है, ये भी एक रामसर साइट बूलर झील भी है। अभी दो नई रामसर साइटें साथियों जोड़ी गई हैं, आप उनका नाम याद रखिएगा, ये करंट से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसका पहले का नाम है 45 थोल वन्य जीव, आप ये याद रखिएगा थोल वन्य जीव, और आपका एक और है जिसका नाम है बांधवाना आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में है और ये आपका राजस्थान में है। मैंने आपको बताया टोटल कितने हैं, ये टोटल आपके 46 हैं। तो ये साथियों कुछ आपके रामसर सम्मेलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो हमने आपको कराए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्थापना आपसे पूछ लिया जाए तो स्थापना आप याद रखिएगा 2 फरवरी 1971, और रामसर ये ईरान में एक जगह है जिसे, जिसके नाम पर इसका नाम रामसर सम्मेलन रखा गया है। आइए साथियों हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, आज का हमारा साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के पहले गोल्फर कौन है जिसे गोल्डन वीजा दिया गया। बहुत अच्छा है साथियों क्वेश्चन, आपका ऑप्शन है टेक चंद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फवाद मिर्जा और जीव मिल्खा सिंह। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टेक चंद की, तो ये साथियों पैरालंपिक में ध्वजवाहक थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको साथियों गोल्डन वीजा दिया गया है, इनको गोल्डन वीजा दिया गया है, बट ये गोल्फर नहीं है। बात करें हम फवाद मिर्जा की, तो याद रखिएगा आप टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की तरफ से घुड़सवार थे फवाद मिर्जा। और मैं बात करूँ जीव मिल्खा सिंह की, तो ये पहले गोल्फर हैं विश्व के जिनको गोल्डन वीजा दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव मिल्खा सिंह। इसके पहले भारत के किन लोगों को मिला है आप ये भी याद रखिएगा, तो याद रखिएगा आप सानिया मिर्जा, इनको भी मिल चुका है, सानिया मिर्जा आपको, इनका खेल मैंने आपको बताया क्या था, टेनिस खेलती हैं ये। दूसरा आपका शाहरुख खान, याद रखिएगा आप। तीसरा संजय दत्त और चौथा आपका जीव मिल्खा सिंह, तो इनको भी गोल्डन वीजा अवार्ड दिया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों कि ये दिया क्यों जाता है, तो आप याद रखिएगा कि गोल्डन वीजा अवार्ड ये यूएई की सरकार देती है, और कितने सालों के लिए देती है, तो ये 10 सालों के लिए इसको देती है। 10 साल तक आप वहाँ पर, याद रखिए कि आप जॉब कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप वहाँ पर निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा मतलब जो मोटिव होता है इसको देने का, कि ये आपकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, सुरक्षा पर्पज से ये वीजा अवार्ड, गोल्डन वीजा अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आइए
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों। NBA का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अब अगर मैं इसमें बात करूं NBA, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि NBA क्या है। तो NBA आप याद रखिएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये आप याद रखिएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया साथियों, वो आप याद रखिएगा, ये बनाया गया रणबीर सिंह। और अगर मैं बात करूं NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद रखिएगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और ये जो है 1946 में इसको स्थापित किया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसमें टोटल 30 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, और मिलवॉकी बक्स अभी इसका लास्ट रिसेंटली विनर, मिलवॉकी बक्स करके ये टीम इसकी अभी विनर रही थी पिछले एडिशन की। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे विराट कोहली की, तो आप याद रखिएगा ये वीवो IPL के ब्रांड वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और IPL का जो 14वां संस्करण था, उसको भी किसने किया था, वीवो ने जो है इसका, जो भी वीवो इसको प्रसारित करता है, तो इसका किसके हाथ में था, वीवो के हाथ में था IPL का। आप याद रखिएगा पिछला सीजन जो था वो ड्रीम 11 के हाथ में था। बात करते हैं साथियों हम अक्षय कुमार की, तो आप याद रखिएगा इनको उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको, अक्षय कुमार को। और वो भी किस लिए, तो आप याद रखिएगा इसका एक मेन जो मोटिव है कि खुले में शौच को, मतलब खुले में शौच से जागरूकता के लिए अक्षय कुमार जी को क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में हुआ है, अमिताभ बच्चन जी को याद रखिएगा आप उनको, कि अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया क्वाइन DCX, क्वाइन DCX इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आप क्वाइन DCX को मैं बताना चाहूँगा आपको क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जो क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रही है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूक करने के लिए क्वाइन DCX जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उसका जो है लॉन्च किया जाता है। तो अमिताभ बच्चन जो है उसके भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये रहा साथियों आपके सामने आज के 10 क्वेश्चन। NBA का ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो NBA के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया गया, विराट कोहली वीवो के हैं, और वीवो ने इस बार का IPL का संस्करण भी कराया है। बात करूँ मैं अक्षय कुमार की, ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं खुले में शौच मुक्त, और अमिताभ बच्चन क्वाइन DCX ने इनको क्रिप्टो करेंसी को जागरूक करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। चलिए तो इसी के साथ साथियों हम आज की क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जैसी भी क्लास लगी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, एग्ज़ाम आपका एकदम पास है। एग्ज़ाम की डेट अभी तक तो फिलहाल रिलीज़ नहीं हुई है, बट जो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि नेक्स्ट मंथ में करा दी जाएगी, तो ये सोचिए कि आपके पास गोल्डन टाइम है उसको तैयार करने का। तो आप एकदम मेहनत अच्छे से करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए कंटिन्यू। रोज़ आपके लिए 10-10 क्वेश्चन मैं भी यहाँ करा रहा हूँ, फिर मैं स्पेशल अभी एपिसोड में ला करके पॉलिटी, IPC और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ों को मैं कवर करवाऊँगा। तो चलिए फिर मैं कल की क्लास में आपसे मिलता हूँ। और अगर आपको हमारा चैनल या फिर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को भारी मात्रा में आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ से, लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बनता है, और हम और मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तो चलिए साथियों फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।